धार में पानी भरने के मामूली बात को लेकर दो गुमटी संचालकों में विवाद हुआ। वहीं विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार चाकू से हमला कर दिया, जिसमें रोहित सिंह भील उम्र 20 वर्ष की मौत हो गई। वहीं बीच बचाव करने आए उसके माता पिता भी गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी घटना धार की वेस्टर्न चौराहे अनिल प्लाजा की है, जहां पर आए दिन अवैध रूप से अतिक्रमण कर लगाई गई दुकान वालों में विवाद होते रहते हैं। इसी तरह के विवाद में एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। घटना के तत्काल बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी की तलाश शुरू कर जाँच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश भी एक बड़ा कारण हो सकती है। जो घायल आए, क्या घटनाक्रम था? 3 लोग आए थे, माता पिता और पुत्र था। जो बेटा था वो तो ब्रॉडेड आया था, मतलब आया ही था मृत अवस्था में। उसका प्रारंभिक उसकी सब जांचें करी गई, उसके दौरान उसको देखा गया और फिर उसको अभी मोर्चरी में शिफ्ट किया है रोहित को। और जो माता पिता है उनको भी गंभीर चोटें हैं, तो उनको प्राइमरी इलाज करके उनको इंदौर के लिए अपने रेफर किया है, ताकि और भी जो अगर सर्जिकल ओपिनियन या जो भी इसमें अपने को इंटरवेंशन के साथ जरूरत हो तो अपन इसको कर सकें। जैसा उन खुद ने बताया तो लड़ाई झगड़े का कुछ केस है ना, पानी को लेकर विवाद हुआ है उनका, उससे रिलेटेड है। हथियार उससे मारा गया? हाँ, धार धार उससे मारा गया है। जो इंजरीज है वो ब्लंट ऑब्जेक्ट की नहीं है, शार्प ऑब्जेक्ट की है। तो माता पिता भी अभी उसे प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद अपन उनको रेफर करना पड़ा। फिलहाल मृतक के पिता लाल सिंह और मां प्रेमबाई को प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में एक महिला को हिरासत में लिया है। वहीं मुख्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरवार न्यूज, धार।